हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल डेल्टा ट्रेडिंग ऑफिशियल में। तो चलिए इस वीडियो में बात करें कि आज हमने मंडे के दिन कौन कौन सी ट्रेड की और निफ्टी का मूवमेंट कैसा था, और उसके बाद बात करें कल वीकली एक्सपायरी फिन निफ्टी के लिए ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हो जाते हैं जिनके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे एक हमें बहुत अच्छी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, जहां पे आपको डेली निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्रेडिक्शंस की वीडियो मिलती है, और साथ में हर सैटरडे को हम वीकली एनालिसिस डालते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का, और संडे को क्रूड ऑयल की वीकली एनालिसिस और नेक्स्ट वीक के लिए इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ऐसे एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले अपन चलते हैं एजुकेशनल टेलीग्राम चैनल में। तो आज जो हमारी एजुकेशनल ट्रेड थी वो थी बैंक निफ्टी की 44,000 की कॉल, जिसमें हमें 240 से लेके 273 तक का हमें मूवमेंट देखने को मिला। इसमें अराउंड हमें 14% का रिटर्न देखने को मिला, साथ ही साथ हमें 33 पॉइंट्स का एक मूवमेंट देखने को मिला, जिसमें कि हमारा फर्स्ट टारगेट तक हिट होते हुए देखने को मिला। तो ये थी हमारी एजुकेशनल ट्रेड, और अगर इस ट्रेड का लॉजिक जानना चाहते हैं तो आप हमारी बैंक निफ्टी वाले वीडियो को जाकर जरूर देखें। अब चलिए देखते हैं फिन निफ्टी का आज के दिन का मोमेंटम कैसा था। एक हमें पॉजिटिव ओपनिंग देखने को मिली थी, उसके बाद एक हमें शुरू में एक फ्लैग पैटर्न देखने को मिला था। अगर मैं आपको वो फ्लैग पैटर्न ड्रॉ करके दिखाऊं तो वो कुछ इस प्रकार से अपन को फ्लैग पैटर्न देखने को मिलेगा, और डाउन साइड में अगर अपन मार्क करें तो यहाँ से एक अपन को ऐसा एक फ्लैग पैटर्न देखने को मिला था। जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ अराउंड 10:20 में, वहाँ से हमें बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिला अराउंड 85 पॉइंट्स का, और उसके बाद हमें एक बॉक्स पैटर्न देखने को मिला था। अगर ये कोई बॉक्स मार्क किया था तो उसे एक डाउन साइड का सेकेंड हाफ में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता, और इसके ब्रेकडाउन के बाद से अगर अपन मार्क करें तो एक हमें 30 पॉइंट्स का ही मूवमेंट देखने को मिला है। तो आज ये दो स्ट्रैटेजी से अपन मूवमेंट कैप्चर कर सकते थे फिन निफ्टी में, और ये था आज के फिन निफ्टी के मूवमेंट का एनालिसिस, और हमें लास्ट में क्लोजिंग देखने को मिली है फिन निफ्टी की 19,551 के आसपास की। तो अब चलिए चलते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, और वहाँ देखेंगे कि कल वीकली एक्सपायरी के लिए ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हो जाते हैं जिनके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे हमें बहुत अच्छी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों अब अपन आ गए 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि अपसाइड की मोमेंटम अपन को कहाँ देखने को मिल सकती है। अगर अपसाइड में ये वाला लेवल ब्रेकआउट करेगा जो कि अराउंड ये वाला लेवल 19,622 का, तो एक हमें यहाँ से अपसाइड की मोमेंटम यहाँ से देखने को मिल सकती है, जिसमें कि जो अपना फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा सीधे ये वाला लेवल जो कि अराउंड 19,705 के आसपास का, और अगर इसके ऊपर भी सस्टेन करता है तो सीधे जो अपन का अगला टारगेट रहेगा वो रहेगा फिर ये वाला लेवल जो कि अराउंड 19,775 का, और जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा जहाँ पे फिन निफ्टी को रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है वो रहेगा ये लेवल जो कि 19,850 का लेवल, और अपना फाइनल टारगेट रहेगा ये लेवल जो कि अराउंड 19,910 के आसपास का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स थे अपसाइड में, अगर 19,620 को अपसाइड में ब्रेकआउट करता है तो। अब चलिए देखते हैं डाउन साइड की मोमेंटम अपन को कहाँ देखने को मिल सकती है। डाउन साइड में अगर ये वाला लेवल ब्रेकडाउन करेगा जो कि अराउंड 19,500 के आसपास का लेवल, तो एक हमें यहाँ से डाउन साइड की मोमेंटम देखने को मिल सकती है, जिसमें कि जो अपना फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा पहले ये वाला लेवल जो कि अराउंड 19,436 के आसपास का, और अगर इसके नीचे भी निकलता है तो उसके लिए मैं पहले चार्ट को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ जिससे कि अपन को लेवल्स अच्छे से दिखाई दें, क्योंकि इन लेवल्स पे बहुत दिनों बाद ट्रेड होते हुए अपन को देखने को मिलेगा फिर निफ्टी में। तो सीधे जो अपन को अगला टारगेट देखने को मिलेगा वो मिलेगा फिर सीधे ये वाला लेवल जो कि अराउंड 19,370 का लेवल, और अगर इसके नीचे भी जाता है तो सीधे फिर अपना फाइनल टारगेट रहेगा 19,300 का लेवल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स थे डाउन साइड में, अगर 19,500 के लेवल को डाउन साइड में ब्रेकडाउन करता है फिन निफ्टी तो, और अगर फिन निफ्टी इस रेंज में ट्रेड करे तो यहाँ पे अपन ट्रेड नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अपन को साइडवेज मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए ऐसे जोन में ट्रेड करने से बचे जहाँ अपन को कोई भी ट्रेंडिंग मूव देखने को ना मिले, क्योंकि अगर इस जोन में साइडवेज मोमेंटम देखने को मिला तो अपन को प्रीमियम डीके बहुत तेज़ी से देखने को मिलेगा अपने ऑप्शन में। तो इसीलिए ट्रेंडिंग मूव का वेट करें, और किसी डायरेक्शनल मूव के लिए या तो पहले अपन इस लेवल के ब्रेकआउट होने का वेट करेंगे जो कि 19,622 अपसाइड में, और डाउन साइड में अगर ये वाला लेवल ब्रेकडाउन होता है जो कि 19,500 का लेवल, तो एक हमें बहुत अच्छी ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकती है जिस तरफ भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करें फिर निफ्टी। अब चलिए देखते हैं कोई इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन बन के आ रही है क्या, तो उसे भी अपन मार्क करने की कोशिश करेंगे। अप साइड से अगर अपन ट्रेंड लाइन मार्क करें तो अगर अपन इस पॉइंट से अगर अपन ट्रेंड लाइन बनाना शुरू करेंगे जो कि है ये वाला पॉइंट, तो यहाँ से अगर अपन एक ट्रेंड लाइन एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे एक अपन को बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन बनते हुए देखने को मिलेगी। फिर कल ये ट्रेंड लाइन 19,620 की लेवल को ब्रेकआउट करके साथ ही साथ ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो तो एक हमें बहुत अच्छी अपसाइड में ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकती है। और डाउन साइड के लिए अगर ट्रेंड लाइन मार्क करें तो अपन अगर इस पॉइंट से मार्क करेंगे तो अपन को यहाँ पे भी एक अच्छी ट्रेंड लाइन देखने को मिलेगी डाउन साइड के लिए भी। तो इन दोनों ट्रेंड लाइन्स को आप अपने चार्ट पे जरूर मार्क करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लेवल्स और एनालिसिस समझ में आएगा, और आप इन लेवल्स को अपने चार्ट पे मार्क करके रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के हिसाब से एजुकेशनल यूज़ के लिए मार्क करेंगे। हमारे एजुकेशनल टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें, जहाँ हम इंट्राडे के लिए लेवल्स, ट्रेंड लाइन्स और एजुकेशनल ट्रेड पोस्ट करते हैं। तो हमारे फ्री एजुकेशनल टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।